नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। पंचायत सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ 26 दिसंबर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। संघ की प्रमुख मांगों में सबसे प्रमुख नियमितीकरण की मांग है। 25 दिनों से हड़ताल पर बैठे सचिव संघ अब राजधानी कूच करने जा रहे हैं। 21 से 25 जनवरी तक सचिव और रोजगार सहायक संघ राजधानी में उग्र आंदोलन की तैयारी में है। सचिव संघ के अध्यक्ष बताते हैं कि 21 तारीख को जिले के 7 ब्लॉकों, 448 ग्राम पंचायतों के 394 सचिव 21 से 25 तारीख के बीच में राजधानी जाकर प्रदर्शन करेंगे। राजधानी में प्रदेश के सभी ब्लॉक के पंचायत सचिव अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। 25 जनवरी को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती तब तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष मिथुन पटेल ने बताया कि कांकेर जिले के 448 पंचायतों में 359 रोजगार सहायक कार्यरत हैं। हमारी मांग को सरकार अनदेखा कर रही है, इसीलिए 21 जनवरी को संघ के सदस्य राजधानी की ओर कूच करेंगे। रायपुर में प्रदेश भर के 11,000 रोजगार सहायक हड़ताल करेंगे। पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत CEO संजय कन्नौज ने कहा कि सचिवों के हड़ताल पर जाने से पंचायतों और मनरेगा का काम बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से 448 पंचायतों में 48 ADO को प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। दिनों से जो है आंदोलन की राह में है, आप लोगों की मांग पूरी भी नहीं हुई है, आप लोगों का रायपुर का क्या कार्यक्रम है और ये आत्मदाह का क्या मामला? हम लोगों का प्रांतीय दिशा निर्देश के परिपालन में 20 तारीख तक तो सभी मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन अब आंदोलन था, भूख हड़ताल चल रहा है आज तक, लेकिन 21 तारीख से समस्त छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक के पंचायत सचिव पूरे राजधानी में प्रस्थान करेंगे और 21 तारीख से 25 तारीख तक वहां पर हम लोगों का उग्र धरना प्रदर्शन चालू होगा और 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करना है और उसी दिन हमारे बहुत सारे साथी जो अपने एक एप्लीकेशन लगाए हैं कि हम आत्मदाह करेंगे और उस दिन आत्मदाह भी कर सकते हैं हमारे कई साथी लोग, क्योंकि लिखित में पेश कर चुके हैं। सर, यहाँ कांकेर जिले से जो है कितने सचिव और रोजगार सहायक जो है जिला मुख्यालय की ओर कुछ करेंगे, सॉरी राजधानी की ओर कुछ करेंगे? हमारे यहाँ से कांकेर ब्लॉक से जो 64 पंचायत के रोजगार सहायक हैं और पंचायत सचिव 58 हैं, ये सारे प्रांतीय राजधानी रायपुर में कुछ करेंगे और उस हमारा जो आंदोलन है, जो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक उग्र आंदोलन वहाँ पर रहेगा। हमारे जिले से कौन कौन आत्मदाह करने के लिए? नहीं, हमारे कांकेर जिले से वैसे हम लोग किसी ने आवेदन नहीं लगाया है। इसमें अभी पूरे जिले में, आपके प्रदेश में भी आपका सचिव संघ हड़ताल में है अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन क्योंकि ग्राम पंचायत का काम बाधित ना हो इसलिए शासन से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसी के पालन में आपके जो जिले में जो कार्यरत ADO है इनको सचिव का प्रभार दिया गया है और इसमें एक ADO को लगभग 8 से 10 पंचायत का प्रभार दिया गया है ताकि पंचायत का काम सुचारू से संचालित हो सके। सर, हमारे यहाँ क्या सचिवों और रोजगार सहायक के हड़ताल में जाने से मनरेगा का काम प्रभावित हुआ? निश्चित रूप से, क्योंकि सचिव और रोजगार सहायक मनरेगा का काम करते हैं इसलिए काम तो प्रभावित हुआ है, लेकिन कहीं पर काम बंद नहीं हुआ है जहाँ पर भी, क्योंकि रोजगार का काम आपका डिमांड बेस पे, मांग के बेस पे, जहाँ पर भी काम का मांग आ रहा है वहाँ हम लोग काम सेंक्शन कर रहे हैं और हर पंचायत में काम पर्याप्त मात्रा में सेंक्शन है और रोजगार सहायक हड़ताल में गए तो जो पंचायत स्तर पर जो मेट होते हैं, एक पंचायत में 8 से 10 मेट काम करते हैं, उन मेट के माध्यम से काम किया जा रहा है और पूरे जिले में भी लगभग 20,000 नरेगा का मजदूर निकल रहे हैं जो अभी प्रदेश में लगभग कांकेर जगह हाईएस्ट है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।